नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के थाना 8 के अंतर्गत आते संतोखपुरा में गत रात्रि गोलियां चलने से मचा हड़कंप, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित गुरु अमरदास स्कूल के बाहर से लुटेरे कार लूटकर हुए फरार। भवानीगढ़ के मलेरकोटला में विजिलेंस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए दो पुलिस मुलाजिमों ने दौड़ाई गाड़ी। सड़क खराब होने पर एक व्यक्ति की एक्टिवा छीन हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के थाना 8 के अंतर्गत आते संतोखपुरा में देर रात गोलियां चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। गोलियां चलने के बाद उक्त पीड़ित परिवार ने खूब हंगामा किया, तो वहीं यह सारी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने गोलियों के दो खोल भी बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार संतोखपुरा निवासी विशु साहनी और हर्ष साहनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका रिश्तेदार और बीएमएस फैशन का मालिक लक्ष्य वर्मा अपने साथ रूबी प्रथम सहित 3 से 4 अज्ञात व्यक्तियों को लेकर उनके घर गत रात्रि करीब 1:30 बजे आया और आते ही उनके दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीछे से आए रूबी और लक्ष्य ने पिस्तौल निकाली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि घटना के दौरान पहले रूबी पिस्तौल निकालता है और उसके बाद लक्ष्य अपनी पिस्तौल निकालकर लोड करता है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कैमरे में घटना कैद होने के डर से बीएमएस फैशन का मालिक लक्ष्य कैमरे से थोड़ा पीछे जाकर लगभग 5 राउंड फायर करता है और उसके बाद अपने साथियों सहित मौके से फरार हो जाता है। उक्त परिवार ने आरोप लगाया कि इस घटना की शिकायत संबंधित थाना में देने के बाद पुलिस 1 घंटे के बाद मौके पर पहुंची। वही घटना स्थल पर पहुंचे जांच अधिकारी एएसआई निर्मल सिंह ने बताया कि उनकी टीम को मौके पर 2 खोल बरामद हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। घटना की सूचना मिलते ही मॉडल टाउन थाना के एसीपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनकी टीम मामले की जांच में जुट गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मामला ये होया जी, अपना राती होने आए है 2 घंटे पहले, 3-2.5 घंटे गोलियां चलाईया, बरामद भी होया इन्हां नूं गोलियां भी बरामद। लक्ष्य वर्मा, ठीक है जी, रूबी प्रथम वर्मा नाल 4-5 दे यार दोस्त आके साडे ते गोलियां चलाईया शरेआम। साढ़े को थोड़ी वीडियो भी आई गोलियां रिवॉल्वर की, गोलियां चलिया भी है, सुखोल भी बरामद हुए हैं, ठीक है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई उत्ते FIR नहीं, कुछ नहीं। अगला शरेआम सुता पिया करे, उन्होंने चकते नहीं पे, कुछ नहीं कर रहे। असि जान तो मरण का खतरा भाई, सारा कोई राजीनामा होया, सारा कुछ हो चुका है, पुलिस ने नहीं कराया। बोलन डे, सच ही बोलन डे भाजी, ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
जालंधर के मॉडल टाउन स्थित गुरु अमरदास स्कूल के बाहर से लुटेरे कार लूटकर फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए गुरु तेग बहादुर नगर निवासी लक्ष्य ने बताया कि वह सब्जी लेने और प्रिंट निकलवाने के लिए घर से निकला था। जैसे ही वह गुरुद्वारा साहिब के साथ लगती गली में पहुंचा तो तीन लुटेरे उसकी गाड़ी के आगे आ गए और उसे रुकवा लिया। लुटेरों ने उसे बाहर आने को कहा। जब उसने मना कर दिया तो उन्होंने पिस्तौल निकालकर कहा कि चुपचाप बाहर आ जा, नहीं तो गोली मारनी पड़ सकती है, जिसके बाद लुटेरे कार लेकर फरार हो गए। इसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वही घटना की सूचना मिलते ही ACP हरचंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि घटना स्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाली जा रही है, जल्द ही लुटेरों को काबू कर लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा कहना था कि मेरे पास एक कार थी, CCTV फुटेज देख रहे हैं, CCTV फुटेज से कोई वेपन वगैरह तो नहीं दिख रहा जी, पर आपस से जमें गुत्था कोई दिख रहा है, गड्डी बह के इनू पिछे नु करता थे गड्डी। केड़ी जगह से सर ये लुट हुई? मैं वैसे आया सब्जी लेके आ रहा थी, सब्जी लेके मैं पहुंचा ही, एक बंदा सामने आया, एक बंदा सामने आया, उन्हें अटैक करता मित्र दिता, पिछले दो जने ने भी अटैक करता, एक ने फिर रिवॉल्वर काटी, फिर मैंने रिवॉल्वर कटी, फिर मैं चाबी फटा दी गड्डी की, जो रिवॉल्वर कटी उन्हें, तो फिर गड्डी स्टार्ट करके एक जना धक्का मारता लैके गड्डी। किन्ने जने से? तीन जने से। पैदल आए थे? हाँ, एक तो पैदल आ रहा है सामने, पिछले भी दोनों ने मैंने उदा ही घेरा। नहीं नहीं, मेरा मैं नहीं जानती कौन सी। भवानीगढ़ में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां मलेरकोटला में विजिलेंस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए दो पुलिस मुलाजिमों ने भवानीगढ़ तक अपनी गाड़ी दौड़ाई, लेकिन नाभा रोड पर सड़क खराब होने की वजह से गाड़ी को वहीं छोड़कर वे दोनों एक व्यक्ति की एक्टिवा लेकर भाग गए, जिसमें उक्त व्यक्ति की बेटी का पासपोर्ट और 50,000 रुपयों की नकदी थी। दोनों पुलिस कर्मचारी मलेरकोटला में तैनात हैं और उनके खिलाफ किसी ने विजिलेंस में शिकायत की थी, जिसके बाद विजिलेंस ने ट्रैप लगाया था और विजिलेंस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए ये दोनों पुलिस कर्मचारी वहां से एक्टिवा लेकर भाग गए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। तूफान पानीगढ़ वासी की गल हुई जी? गल हुई जी, बंदा सतगुर गुणीगा इसका पिंड है, ये मेरे लिए आया सी, मैनू 10,000 रुपये दे के, मैं इन्नी गल से इनू पूछा, मैं चाह पानी पीवेगा कि नहीं, मैं जाना हाथ चाबी ले रहा सीगा, इधरों पुलिस वाले भजे भजे आए, दो कर्मचारी से, असी सोचे अपने थाने देने पौनीगढ़ देने, तो उन्होंने एक्टिवा च बैठ के कहना मैंने चाबी फड़ावे, चलो जी ना, पहले उन्होंने पूछा भाई इधर नू बंदे भज के गए ने, मगर जी ना इधर नहीं, उत्थे असी 10-15 बंदे जनानियां सब मोहल्ले वाले सारे बैठे थे, इन्होंने उन्होंने पूछा कि इधर बंदा गया मार के, बंदे गए ने इधर नू, मगर जी ना इधर नू कोई नहीं गया, कहना चाबी फड़ाओ छेती करके, तो इसकी चाबी ले गए सतगुर की। हाँ, जाते जाते मैं भी गया, मगर जी तुम एक काम करो मेरी कार ले जाओ, मेरी कार खड़ी सी उत्थे, मैंने की पता, मैं सोच रहा कि मेरे थाने दे, अपने पौनीगढ़ थाने देने, सो फिर इधर नू असी गए, 5 मिनट का वेट किया, मैं आई नहीं हाले कर्मचारी मुड़ के, जदों असी इधर नू गए समाने रोड वलू, तो उत्थे पुलिस अधिकारी ट्रैफिक इंचार्ज खड़े सके, मैं उन्होंने पूछा, मैं जी इधर नू पुलिस वाले गए ने, कि उन्होंने कहा कि भाई दो एक्टिवा इधर नू गए ने, चलो जी असी ने 15 मिनट वेट करी, आए नहीं एक्टिवा ले गए, जदों फिर असी थाने जाने लगे, मगर अपनी अपनी एक्टिवा ले आई, एक्टिवा लैन इधर कट जा हो रहा सीगा नाबे रोड से, फिर उधर सानू सही हकीकत का पता लग गया कि गल की है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਤੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸਰ, ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰੀ ਚਾਬੀ ਖੋਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕੂਟਰੀ ਸਿਰਫ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਇੱਕੋ ਲੱਤ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਕੁੱਲ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੇ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਲੂਟਪਾਟ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤੇ ਥਮਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, जिसका ताज़ा मामला जालंधर के रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार को रिसीव करने के लिए स्टेशन पर गया तो देखा कि गाड़ी थोड़ी लेट है, तो वह बाहर बेंच पर लेट गया और कुछ समय के दौरान ही उसका फ़ोन गायब हो गया, जिसके बाद उक्त युवक GRP थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई,
जिसके बाद उसने खुद आगे आकर चोरों की तलाश की और अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर चोर को ढूंढ निकाला और उसे पकड़कर अपने गांव ले गया, जहां उसने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाया। गौरतलब रहे कि जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि दो चोरों को गांव के लोगों ने पकड़े हुआ था और दोनों ही चोर नशे में थे। एक चोर लगातार अपने हाथ में पकड़े कपड़े को सूंघ रहा था। जब उससे बात की गई तो उसने अपनी जेब में से टायर पंचर लगाने वाली ट्यूब निकाली और बताया कि वह इसे सूंघ रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि आजकल के लड़के किस तरह नशा कर रहे हैं। उक्त युवक की जेब में से और भी हैरान करने वाला सामान निकला, जिसमें एक शेव करने वाला उस्तरा और सब्जी काटने वाला चाकू था। वहीं मौके पर पहुंची पीसीआर की टीम ने दोनों चोरों से पूछताछ की और मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये घटना इस इलाके में नहीं घटी है। जिस जगह पर घटना घटी है वे इन दोनों को उस इलाके के जीआरपी थाने के अधिकारियों के हवाले कर देंगे। आगे की कार्रवाई पीड़ित के बयानों के आधार पर उनके द्वारा की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਮੈਂ ਜਿੱਜੇ ਮਾਗ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਵਾਲੇ ਕਰਾਈ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਰਾ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰਾਜੂ ਭਾਈ ਹੈ ਰਾਜੂ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਊਬ ਹੈ ਕੀ ਕਾਦੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਵਾਲੀ ਪੈਂਚਰ ਦੀ ਭਾਈ ਇਹਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਾਣੇ ਸੁਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਤਰਾ ਉਤਰਾ ਜੁੜਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਜੜਦੀ ਬਸ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਮਾੜਾ ਟਿਊਬ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 4:30-5 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅਚਾਨਕ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀਵੋ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗਲਾਸਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਤੇੜ ਆਈ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰਦ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਛੁਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਲੋਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੌਂਗੋਗੇ ਭਾਈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਬਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਬੁੱਕੂਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਆਰਪੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਜੀਆਰਪੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕੂਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਬੁੱਕੂਆ ਸਾਡਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਕੂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਆਰਪੀ ਜੀਆਰਪੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਆਰਪੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ अमृतसर के केंद्रीय वाल्मीकि मंदिर में सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों की ओर से एक मीटिंग की गई, जिसमें गत दिवस 9 अगस्त को पंजाब बंद की कॉल का समर्थन किया गया। गत दिनों मणिपुर में हुई घटना को लेकर आए दिन लोगों का केंद्र सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है और लोगों की ओर से कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और केंद्र सरकार के पुतले फूंके जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत वाल्मीकि भाईचारे तथा बाकी संगठनों की ओर से ये मीटिंग की गई, जिसमें पंजाब बंद को लेकर अमृतसर में भी पूरी तरह बंद का समर्थन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप रखी जाएगी, बाजार बंद रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं को छूट दी गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कल 9 तरीक नूं जिहड़ी बंद की कॉल है जी, उहदे वास्ते केंद्रीय वाल्मीकि मंदिर च सारे ही संगठनों की मीटिंग हुई है। संगठनों तो मेरा भाव है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रविदासी भाईचारा और जिन्हां धार्मिक समाजिक जथेबंदियां इस तों अलावा कारपोरेशन यूनियन का जोड़ा समर्थन है वह कल 9 तरीक न सफाई व्यवस्था भी ठप रहेगी और शहर जोड़ा मुकम्मल बंद रहेगा जी। ट्रांसपोर्ट जोड़ा जी खास करके जो मेन है जी टी रोड है वह अजे खुले ने, लेकिन शहर दड़िया अंदरूनी जड़िया ने वह सारिया बंद रहनगियाँ। जिदा लॉरस रोड है ये बंद रहेगा जी, हालगेट है बंद रहेगा, पुतली घर चौंक बंद रहेगा, कचहरी चौंक जड़े आंद रहे जी, और मैडिकली जेड़े आ मैडिकल फैसिलिटीज़ है जिदा एंबूलेंस आ मैडिकल सेवावान जड़िया ने मैडिकल स्टोर ने और हॉस्पिटल ने इंसानियत नूं मुख रखते हो, क्योंकि इंसानियत की लड़ाई है
ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ। 8 जुलाई को पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों में तेज बारिश होने के कारण सतलुज दरिया के अलग अलग जगहों पर धूसी बांध में दरार आ जाने के कारण कई गांवों में बाढ़ का पानी आ गया था, जिसके बाद लोगों और पंजाब सरकार ने खुद आगे आकर इस दरार को भरने में एक दूसरे का साथ दिया और 30 दिन बाद इस बांध को पूरा भर दिया गया। वहीं अब पंजाब पुलिस की एक और दरिया दिली सामने आई है, जिसमें पंजाब पुलिस जालंधर के डीसीपी जगमोहन सिंह की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। जालंधर पुलिस लाइन के एडीसीपी हेडक्वार्टर सुखविंदर सिंह ने बताया कि उनके माध्यम से पंजाब पुलिस जालंधर की ओर से 1,85,000 की सहायता बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही है, जिससे वे अपने ट्रैक्टरों में डीजल डलवाकर सतलुज दरिया के बांध को और पक्का करने के लिए काम करेंगे और जिन किसानों के खेतों में बाढ़ के बाद रेत आई है उस रेत को निकाला जाएगा ताकि जल्द से जल्द खेतों को खेती योग्य बनाया जा सके। इस दौरान उनकी ओर से पंजाब पुलिस का आभार भी व्यक्त किया गया। इस मौके पर डीसीपी जगमोहन सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस के जवानों की ओर से अपनी कीरत कमाई में से योगदान डालकर बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है, विशेष तौर पर फसली नुकसान अधिक हुआ है, जिस कारण उनके जवानों ने अपनी ओर से ये योगदान डाला है। उन्होंने कहा कि ऐसे मौक़ों पर हम सभी को मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि जल्द से जल्द आपदा को टाला जा सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सानू जी 1,85,000 रुपये की मदद मिली है, वो डीजल की मदद है, डीजल पा के अपने ट्रैक्टर चला के बन्न मुकम्मल करांगे और जिते कि रेतो पई है उन्होंने चाके खड्डे पूरे जाएंगे, खास करके बन्न ही मजबूत किया जाऊगा जी। हाँ जी, हाँ जी, पहला मैं उन्होंने साढ़े न संपर्क किया जी, असं आवेंगे, आए हैं, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े मानयोग कमिश्नर साहब श्री कुलदीप सिंह चाहल के दिशा निर्देश हेठ साढ़े जिहड़े पंजाब पुलिस के कमिश्नरेट के मुलाजमान ने अपनी जिहड़ी 10-9 दी किरत दे विच्चों जिहड़ा हैगा योगदान पाया सीगा, क्योंकि तुसीं सारा देखा होना कि हड़ दे दौरान काफ़ी जिहड़ा हैगा लोकां दा फसलां दा भी नुकसान होया और इत्थे अलग अलग जिहड़े NGOs जिहड़ी जथेबंदियां हैगियां वो निष्काम सेवा कर रही सी। असीं छोटा जिहा जिहड़ा साढ़े मुलाजमान ने जिहड़ा 2.5 लाख रुपया इकट्ठा किया सीगा वो असीं अज इत्थे चैक दित्ता तां जो इन्हां दे जिहड़े ट्रैक्टर वगैरह एक कार सेवा कर रहे हैं ये जो तेल वगैरह इन्हों मुहैया हो सके और असी जो होर भी उपराले करा और बाकी भी जोड़े लोग है उन्होंने काफ़ी इनीशिएटिव लिया, अलग अलग जड़िया जथेबंदियां अलग अलग जड़िया NGOs है इतने हर पीड़ितों की मदद लिए अगे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण करवाया जा रहा है, लेकिन जंडियाला गुरु का रेलवे स्टेशन कई दशकों से सुविधाओं को तरस रहा है। पिछले 70 वर्षों में कई सरकारें आईं और कई गईं, पर किसी ने भी इस स्टेशन की ओर ध्यान नहीं दिया। इस स्टेशन को सैकड़ों गांवों के अलावा जंडियाला गुरु शहर भी पड़ता है, जिसकी आबादी लगभग 40,000 से 50,000 के करीब है, पर यहां पर कुछ ट्रेनों को छोड़कर बाकी कोई ट्रेन नहीं रुकती। अगर सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ पर शौचालय तो बने हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी गंदगी है कि लोग अंदर जाने से भी डरते हैं। वैसे अब यहाँ पर कुछ नए शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें ताले लगे हुए हैं। अगर पीने वाले पानी की बात की जाए तो यहाँ पर पीने को सिर्फ गर्म पानी मिलता है, ठंडे पानी का यहाँ कोई प्रबंध नहीं है। इसलिए इलाकावासियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जंडियाला गुरु स्टेशन को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए और यहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनें यहां रुक कर जाएं, ताकि जंडियाला गुरु वासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। व्यवस्था यही देख रहे हैं सर, टूटा उठा फड़ा है सब, ऐसा ही है सर, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। लैटरिन भी सर ऐसे ही देख खंडर पड़ा हुआ है, ऐसा कोई अच्छी खास व्यवस्था नहीं है सर। ठंडा पानी नहीं, बहुत गर्म पानी मिलता है सर। तो क्या मांग करते हैं? अब ये है कि सर ये जब आते हैं तो हम लोग मजदूर लोग हैं तो वैसे ही हम लोग को ठंडा पानी चाहिए, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, गर्म पानी मिलता है सर यहाँ पर, ठंडे पानी कोई व्यवस्था है ही नहीं। काफ़ी रुकती है ना, तो
पर ज्यादा ज्यादा नहीं रुकती है। सानू चाह सहूलत चाहिए है भी इतने मैं पट्टी तो आवा तो इतने खुदी भी इतने उतर जा। घट्टो घट पंजा सठ पिंड तो ज्यादा पीती है जी। लोगों को फिर मतलब रेल अपना गड्डी कितों लैनी पीती जाके अमृतसर तो या ब्यास तो। अमृतसर इतों कि ब्यास कि ब्यास ही 25 किलोमीटर आ गया तो जोड़ा अमृतसर आतों 20 किलोमीटर होगा। सर्व हितकारी केशव विद्या निकेतन में तीज का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य ने आए हुए सभी गणमान्यों का स्वागत किया और तीज के महत्व को सबके समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि बच्चों को पंजाबी संस्कृति के साथ साथ उन्हें विद्यालय की रीति नीति के साथ जोड़ना भी जरूरी है। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न गीतों पर अपनी प्रस्तुति दी तो मंजू सीमा और कविता ने तीज के त्योहार पर अपने विचारों को सभी के समक्ष रखा। कार्यक्रम के अंत में सभी आचार्य बहनों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इस मौके पर सरोज ठाकुर, कोमल दीक्षिता, आशा रानी आशु और प्रभजोत भी मौजूद थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। आज जो प्रोग्राम जे तीज का प्रोग्राम हम अपने स्कूल में मनाने जा रहे हैं जी, हर साल की तरह आज भी जो हमारा स्कूल के जो बच्चे हैं वो सर्वहितकारी केशव विद्या निकेतन जो हमारा जो संस्था हमारी स्कूल है इसमें आज बच्चे जो हैं तीज का प्रोग्राम मना रहे हैं जी, हर साल की तरह मनाया जाता है। दूसरी बात है कि बच्चों को एजुकेशन साथ साथ बच्चों को जो हमारे भारतीय संस्कृति है उनके साथ जोड़ने भी ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे संस्कृति हों तो उनको बच्चों को जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे त्यौहार हैं, जो हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं उनको साथ बच्चों को जागरूक करना ज़रूरी है। सो ये भी एक हिस्सा है, जब जहाँ जहाँ बच्चों को हम एजुकेशन के साथ जोड़ते हैं वहाँ वहाँ बच्चों को हम जो है वो जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति है उसके साथ जोड़ा जाता है। इसलिए आज हम जो बच्चों का प्रोग्राम में आपने देखा कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे सारे बच्चे हैं वो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों में। सो तीज का जो प्रोग्राम था काफ़ी अच्छे पद्धति पे धूमधाम से स्कूल में मनाया जा रहा है। जालंधर स्थित प्रीत नगर सोडल की महिलाओं की ओर से तीज का त्यौहार चौपाटी जंक्शन पठानकोट रोड में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने झूला झूलकर पंजाबी सभ्याचार की झलक पेश की और गिद्धा और भांगड़ा डालकर तीज के त्यौहार का आनंद लिया। वहीं महिलाओं ने विभिन्न प्रकार की फन गेम्स का आनंद भी लिया और सभी को तीज की बधाई भी दी। इस अवसर पर राधिका, चारू, हरप्रीत, दिलप्रीत, शालू, मोना, कनिका, प्रिया, कविता, आशु सहित अलग अलग क्षेत्रों से आई महिलाएं मौजूद थी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरिनाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया।
इस अवसर पर एससी एसटी कमीशन के राष्ट्रीय चेयरमैन विजय सांपला ने विशेष तौर पर शिरकत कर कथा में हाजिरी लगाई और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस अवसर पर एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने अपने संबोधन में कहा कि जिसने गाय माता की शरण ली है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। उन्होंने कहा कि मातृत्व भाव से सेवा करने व गाय की शरण लेने से शरीर व मन के दुख कम होते हैं। सनातन धर्म में हर घर में गाय होनी ही चाहिए। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। श्यामा राजे सग सखियन के होली के लिए गुंजन गुंजन के पवित्र भूमि पर जो 52 शक्ति पीठों में जिसका एक प्रमुख स्थान है, इस दिव्य पवित्र भूमि को नमन करते हुए और पूज्य महाराज जी के तत्वावधान में जहां कभी बीनेवाल में कभी चांदपुर उड़की में तक अलग अलग स्थानों पर दिव्य इस अनुष्ठान का समागम पूर्व कई वर्षों से होता आ रहा है, तो ये जो जालंधर नगरी है आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपकी धरती को यह अवसर प्राप्त हुआ। और ये इसलिए भी प्राप्त नहीं है, ये अवसर इसलिए भी नहीं मिला कि ये इस वर्ष होना था तो इस वर्ष ही होगी, शायद अगले वर्ष भी हो सकता था। लेकिन एक तो क्या कहते हैं ना कि लाभ भी मिले और उसमें भी हमको कुछ और अधिक मिल जाए, बोनस मिल जाए। तो आपको बोनस क्या मिला है कि ये अधिक मास में आपको ये दखा मिली है। और अधिक मास का अर्थ क्या है? अधिकस्य मासम अधिकम फलम। अधिक मास में किया हुआ कोई भी पावन पुनीत कार्य जीव को अधिक फल देता है। हमारे इस निरंतर महानगर के बारे में पंजाब क्षेत्र में सनातन धर्म की सेवा करने वाले श्री शीतल रेड्डी जी, उनके सभी कमेटी के जितने भी उनके सेवकजन हैं, उन सबका इसमें सहयोग है। हम अपने महापुरुषों के गुरुजनों के पद की नौबत करें, जिन महापुरुषों ने हमको जीना सिखाया, सतगुरु श्री कबीर महाराज जी, गुरु नानक महाराज जी, सतगुरु श्री रविदास महाराज जी, सतगुरु श्री वाल्मीकि महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी, इन महापुरुषों ने हमारे देश राष्ट्र की मानवता की बहुत बड़ी सेवा करी है। समय समय पर जो धर्मियों के बड़े बड़े प्रकोप हुए हैं, इसी समय वही रावण कुंभकर्ण दुर्योधन दुशासन और वही अधर्मी आश्रित प्रकृति के वो मुगल लोग जिन्होंने सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर बड़े बड़े प्रहार किए, पर हमारे महापुरुषों की कृपा है कि हमारे समाज ने आपसे मिलजुल करके धर्म की रक्षा करी है। वर्तमान समय में बड़े बड़े संकट हमारे देश के ऊपर हैं, धर्माधर्म का एक महापाप इस देश में हो रहा है। हमारे भोले भाले परिवारों को
प्रलोभन दे करके जो ऐसा कृत्य हो रहा है वो ना हो। हमारे महापुरुषों ने भी विदेशों में जा करके जिन प्रेम की ओर से नहीं पढ़ पाए, सतगुरु रविदास महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, गुरु नानक महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास, इन सब महापुरुषों ने प्रेम का संदेश दे करके विष्णु को अपनी किया है। जो कि एक समय की लोड़ सी जलंधर दे विच, वैसे हर साल महाराज कदे अयोध्या, कदे पौंडेचारी, कदे चित्रकूट, कदे वृंदावन और बीनेवाल वाली कुटिया चांदपुर रुड़की भी असी हर 40 दिवस प्रोग्राम बनाने। इस बार नैणा दे भी महाराज का प्रोग्राम बनिया सी, पर जो असी गड्डिया जी बैठे तो जलंधर नू गड्डिया मुड़ गई, तो महाराज मैनू कहते भी इत्थे हुण करदे प्रोग्राम। तो महाराज की बड़ी दिल की इच्छा है कि जिहड़ा प्रोग्राम है जलंधर वासियों नू समर्पित होवे, खास करके ये जिहड़ा प्रोग्राम है इहदे विच जिन्हें भी संत महापुरुष बाहरों वृंदावन तो जिथों जिथों भी सारे का आगमन समय समय सिर होना है। और कथा भी जी 11 तरीक को शुरू होनी है। साढ़े विपुल विराट जी बहुत अच्छे विद्वान और बहुत अच्छे कथावाचक है चित्रकूट तो, उन्होंने 11 तरीक को आके कथा शुरू करनी है। तो खास करके मैं अज के मौके पर सारे कहूँगा कि वो तो वो टाइम दे के 11 तरीक को इतने दर्शन दौ, क्योंकि महाराज जी का इको एक मिशन है गौ माता की सेवा करना। और इन्ने सुभा सरल है महाराज जी कि जो भी कोई आदमी इन्हों को आता है, चाहे वह कुटिया बैठे हो कि भी हो, और इन्हें अच्छे सुभाव नाल हर कोई प्रेरणा देते हैं कि अपने जीवन के सू गौ माता की वो तो वह सेवा करनी चाहिए है। परम श्रद्धे स्वामी कृष्णानंद जी, दीपक मिश्रा जी और व्यास के बैठे पंडित जी, अज पापा गाने दे कि महाराज का आशीर्वाद लैन दे सौभाग्य प्राप्त होया। वैसे तो महाराज जी ने जो भी कोई हुक्म किया सी तां उसनु नेपरे भेजा, अरे गौराष्ट्र जी सेवा कर रहे हैं, उन्हां दी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, साडा भी उन्हां दे प्रति जरा श्रद्धा जी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि असी एक ही ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जिन्हों असी जीव प्राणी जानवर नहीं, उन्हों गौ माता क्यों, क्योंकि असी गौ माता तो हर वेले कुछ ना कुछ सानू साढ़े जीवन गौ माता ही ऐसा जड़ा है जिसे साढ़े को आशीर्वाद मिलता है कि वह ऑक्सीजन लेंदी है, ऑक्सीजन ही छड़ती, जबकि बाकी जड़े आ ऑक्सीजन लैके कार्बन डाइऑक्साइड छड़ते हैं, पर गौ माता जी ऑक्सीजन लैके ऑक्सीजन ही वापस करती है, भाव साढ़े जीवन के किसी पास कितने ना कि सानू वाला भी वरदान मिलता है। उसके दुध की असी देखते हैं कि जिस व्यक्ति को कोई चीज़ नहीं पचती, अगर कोई पचता है तो गौ माता का दुध ही पचता है, भाव अगर किसी जीवन दान देने का भी काम करती है तो गौ माता का दुध ही काम करता है। और इसका एक जो असं कही कि जो असी घर शुद्धिकरण करना हों तो अग के उत्ते की पाने गौ माता घ्यो पाने और बाकियों धुआं हों अखा पी धुआं तो अखा नहीं पता, ये थोड़े घर में शुद्ध करता, जिन्हें कीट वगैरह होंगे सारे खत्म भी करता है और नाल नाल तुहानू उहदी स्मेल सोहनी भी लगती अच्छी लगती। और गौ माता का गोबर जिहड़ा अजकल तो चलो फेरन का काम खत्म हो गया, पहला घर दे विच असी उहनू गोबर नू असी जिहड़ा फेरदे सी और इहदे नाल असी सुनिश्चित हो जांदे सी कि हुण साडे घर दे विच कोई कीट पतंग कोई गलत चीज़ जिहड़ी आ भाव सप तक भी उहदे च एंटर नहीं सी कर सकता। ये एक बहुत वड्डी विशेषता गौ माता दी और असी उन्होंने गौ मूत्र गुरुआत उन्होंने भी बड़ा पवित्र मनिया। पाप गौ माता की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिहड़ी साढ़े ते साढ़े जीवन पर असर नहीं करती, और ये हिंदू संस्कृति है, ये हिंदुओं की ही एक बहुत वड्डी जिहड़ी विशेषता कहूँगा कि साढ़े धर्म के विच है।
कि असी जेदे कोलों कुछ लैने उहदा सत्कार करना, उहदे अगे शीश झुकाने, उहनूं असी देवी देवतिआं दी संज्ञा दे, पवन देवता, जल देव मान लो देवता कहने, अग्नि देवता पाप जिन्हां दा साडे जीवन ते असर है, हवा दा, चंद देवता, सूरज देवता, हर एक नूं असी देवता की गल करते हैं और गऊ नूं तां असी माता की गल करते हैं कि जिन्ने भी साडे देवी देवतिआं दा अगर वास है तो किथे है, वह गऊ माता। इस करके असी उन्हां नूं सब तो ज़्यादा पवित्र, इस करके असी उन्हां नूं किते कोई भी जानवर कहिंदा तां सानूं जिहड़ी आ उह टीस पहुँचदी है कि यार इहनूं क्यों इदां किया। लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित होटल रेडिसन ब्लू में 3 दिवसीय BKTK गारमेंट एग्जीबिशन फैशन फॉरकास्ट का समापन हुआ। इस एग्जीबिशन में विभिन्न हौजरी और गारमेंट्स के स्टाल लगाने वाले लोगों ने कहा कि इस एग्जीबिशन में उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला है, जिससे लुधियाना की हौजरी और अधिक प्रफुल्लित होगी। उन्होंने कहा कि इस एग्जीबिशन के दौरान उन्हें काफी ऑर्डर भी मिले हैं और लोगों की ओर से इस एग्जीबिशन को काफी सराहा गया है। एग्जीबिशन में आए हुए गणमान्यों को BKTK गारमेंट एग्जीबिशन के चेयरमैन तरुण जैन बाबा, प्रधान भजन कपूर, उप प्रधान अतुल सहगल, महासचिव बलविंदर सिंह सनम, कोषाध्यक्ष पुनीत अरोड़ा, सचिव सुनील सरीन, ऑर्गेनाइजेशन सचिव विनय जैन, चीफ एडवाइजर ऋषभ जैन, कार्यकारिणी सदस्य सरबजोत सिंह तलवाड़, आशु मखीजा, करण कोचर, सुनील सहगल, कपिल जोशी, कपिल अरोड़ा, अमित सेतिया, पुनीत जैन बाबा, राहुल जैन व कनव जैन ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। मेपल गारमेंट प्रतीक दीवान, LORG ब्रांड है, लेबर ऑफ रग्ड गुड्स। एग्जीबिशन में इस बार कुछ इम्पोर्टेड फैब्रिक्स थे, प्लस जैकेट्स हैं, प्लस टेक्सटाइल फैब्रिक्स हैं एंड कॉटन्स भी हैं। वी आर डूइंग गुड, वी आर ऑलरेडी ओवर बुकड, आई मीन वी आर अबाउट टू क्लोज द बुकिंग बाय दिस नून। तो ओवरवेलम्ड, बहुत अच्छा था रिस्पॉन्स। सर मेरा नाम शंकिया, साड़ी फर्म का नाम है MK अपैरल। किस तरह रिस्पॉन्स रहा एग्जीबिशन? बहुत वधिया सर, बहुत वधिया। की नवा लेके सर, आपां अपना ब्रांड लॉन्च किया इस बार, कटन सी उहदे नाम तो जी, उहदे च आपां वैरायटी लिआंदी है काफ़ी कुछ, नवा नवी आइटम लिआंदी है, इंपोर्टेंट फैब्रिक, फ्रंट बैक प्रिंटिंग्स ऑल ओवर, होर भी बहुत कुछ है। बहुत वधिया सर, बहुत वधिया। विवेक जैन मेरा नाम है जी, साड़ी फर्म का नाम रूप रश्मी उद्योग पैंदा है, तो ब्रांड साडे है सोना रूपा, GFO प्रीमियम, नवशा, इदां सारे लोरी, ये साडे ब्रांड नेम है। बहुत वधिया। कस्टमर दा किदा? ये माल वधिया होगा, गाहक उसको अपने आप चल के आऊगा। बिल्कुल लगनिया चाहिए है जी, कस्टमर का फुटफॉल इन्ना वधिया रहा, दो दिन अच्छी तीजा दिन है वधिया रहा। मेरा नाम भी है साहिल जैन है जी, तो रिमजिम हमारा ब्रांड है सर, तो रिमजिम हाई स्पीड ओ लिटल 3 ब्रांड्स हैं हमारे, हमारी फर्म का नाम मोनिका गारमेंट्स है, हम बच्चे की गारमेंट्स में डील करते हैं जी, और एग्जीबिशन ये 3 दिन की लगी हुई है BKTK एग्जीबिशन। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है, मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम से कम 7-8 गुना ज़्यादा कस्टमर की फुटफॉल है। पिछले 2 दिनों से ना हमें खाने का पता है ना हमें पीने का पता है, कस्टमर मतलब इस टाइम पे अटेंड कर रहे हैं हम, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। एग्जीबिशन सर ऐसी बिल्कुल लगनी चाहिए, एक कस्टमर के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, देखिए सर एक कस्टमर के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये, कि मतलब उनको एक ही रूफ के नीचे सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। काफ़ी जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स भाई हैं सब ने बहुत मेहनत की हुई है, सबकी वैरायटीज़ दिख रही हैं, कस्टमर ऑर्डर लिखा रहा है, हमें भी आगे एक डायरेक्शन मिल जाती है कि क्या आइटम्स को फर्दर आगे रखना है, तो बहुत अच्छा ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा नाम अतुल सहगल है जी, मेरी फर्म नेम ASKR है और ब्रांड नेम लाइमा और LKR, ये मैं किड्स वेयर बनाना, जेंट्स वेयर बनाना जी। एग्जीबिशन का रिस्पॉन्स 100% रहा, फुल कस्टमर सी, ईच एंड एवरी थिंग विल बी फाइन, और काफ़ी बुकिंग रही है जी। कस्टमर भी सैटिस्फाइड है जी, उन्होंने बहुत कुछ नया देखने को मिले, अगे कस्टमर आते कोई एक दिन लिए या 2 दिन लिए पूरी फैक्ट्री विजिट नहीं कर पा रहा, अज उन्हें 107 लोगों एक दिन चो विजिट कर रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ नया मिले, बहुत नए घर मिले जिदा तो माल खरीदना चाहते और ऑर्डर भी प्लेस किए, पर सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट है जी। ते
हाँ जी, नेक्स्ट तो आई थिंक सो कि ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगेगा। आज 100 लोग नहीं, कम से कम सब इकट्ठे हो गए 500 लोग ये एग्जीबिशन लगाएंगे, और कस्टमर्स का फुटफॉल भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो अच्छा रहेगा ये फ्यूचर में। मेरा नाम कपिल जोशी है, साडा ब्रांड है ई मार्क, जिहड़ा असीं लेडीज़ दे विच डील करीदा, शॉर्ट टॉप तो लैके ब्लेजर तो लैके कार्डिगन तो लैके श्रग्स तो लैके सब तरह के ट्यूनिक कॉर्ड सैट क्रॉप टॉप हर तरह के प्रोडक्ट बूलन दे विच असीं बनाने हैं। अज दी इस बीके टीके दी जिहड़ी एग्जीबिशन 6 तरीक तो चल रही है, तरुण जैन बावा जी साडे चेयरमैन जिन्हां दे सहयोग दे नाल सरप्रस्ती नाल असीं इस एग्जीबिशन दा आगाज़ कीता, और बहुत ही वधिया तरीके नाल शहर दे विच पूरे हिंदुस्तान तो साडा कस्टमर दा फुटफॉल हो रहा है, आंध्रा तो लैके हैदराबाद तो लैके पंजाब हरियाणा यूपी महाराष्ट्र तो ईवन गर्मी दे सर्दी सारे ही कस्टमर आ रहे हैं, जिन्हां नूं इत्थे आ के एक प्लेटफार्म ते असी सारे ब्रांडां नूं कोशिश की शहर के टॉप ब्रांडां नूं असी इकट्ठा करिए तां जो कस्टमर नूं एक जगह ते आन दा मौका मिले। आन वाले टाइम दे विच साडी बीके टीके दी प्लानिंग रहेगी कि असी एक ब्रांच इसे प्लेटफार्म ते घट्टो घट 300 तो लैके 400 ब्रांड इकट्ठा करिए। तरुण जैन बावा जी दी रहनुमाई है, असी उन्होंने बहुत 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 आभारी हैं कि उन्होंने साडे वर्गे छोटे ब्रांड नूं ई मार्क वर्गे ब्रांड नूं साडे जिहड़े ब्रांड छोटे मीन टू से जिहड़े ब्रांड असी अपने मीडियम गिनती करते इस प्लेटफार्म दिता और कस्टमर के ना रूबरू होने का मौका दिता, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, कस्टमर बहुत पॉजिटिवली आ रहे हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा इंथ्यूज़म मिल रहा है कि यार एक बहुत इको जगह से सानू इन्नी चीज़ें देखने को डिस्प्ले मिल रही है, नवी तो नवी जनरेशन की क्रिएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि जिनी नवी जनरेशन काम च आ रही है नवे नवे आइडियाज़ आ रहे हैं, यही चीज़ होंगी जी व्यापार को प्रफुल्लित करती है। राहुल शर्मा भाजी बहार नेटवेयर तो अभी लेडीज स्वेटशर्ट बनाने ट्रैक सूट बनाने कि अभी सब कुछ नवी आइटम लैके आए हैं, इंपोर्टेड फैब्रिक भी है इंडियन फैब्रिक भी है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा इस बार सर, अच्छा काम होने की उम्मीद पूरी है सर, अगे होर लगनी चाहिए और अच्छा होना चाहिए। दोस्तों राजन चोपड़ा जी के एस चोपड़ा हौजरी फर्म अपनी वेटगंज में अपना ऑफिस है, तो रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया जी, फुटबॉल बहुत ज़्यादा है, कस्टमर की क्लाइंटेज की मतलब कि अगों की कह लो कि कस्टमर का एक इंटरस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि सीजन विंटर तक आ रहा कमिंग, तो मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सानू इतने, मतलब फेयर लगा के बहुत वधिया लगे सर। गर्लिश टॉप बॉयज़ टॉप गर्लिश कार्डिगन गर्ल्स कार्डिगन कुर्ती ऑल आइटम्स जो अपने वधिया मतलब रेंज जो अपने क्लाइंट नू इकनोमिक रेंज दे हेयर वगैरह का सब वधिया आर्टिकल्स सर, एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा वधिया रिस्पॉन्स है। नमस्कार जी, मेरा नाम मानिक है जी, हमारी फर्म का नाम राजू कैप्स है जी, तो हम ये वूलन एसेसरीज़ बनाते हैं, कैप्स मफलर्स हैंड ग्लव्स और बच्चे और बड़े की स्वेटशर्ट्स बनाते हैं जी, तो 1975 की हमारी फॉर्म है, तो काफ़ी वैरायटी इस बार हमने बनाई है, डिफरेंट फैब्रिक्स में डिफरेंट यार्न्स यूज़ किए हैं, कस्टमर्स बहुत लाइक कर रहे हैं, आपके सामने कस्टमर आए हैं बैठे हैं सैंपल देख रहे हैं, रिस्पॉन्स मतलब उम्मीद से बहुत ज़्यादा जी, हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना कस्टमर का फ्लो होगा, कल दो दिन तो हमें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली, तो बहुत अच्छा बहुत मज़ा आया, बहुत कस्टमर आया जी, ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आया जी, ये तो बिल्कुल लगनी चाहिए जी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, थैंक्स टू बीके टीके जी, और ये उन्होंने हमें फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी, और ये तो फ्यूचर में ये तो ट्रेंड रहेगा जी, ये तो रहेगा, और कस्टमर को भी एक रूफ के अंडर वन रूफ सो मैनी ब्रांड्स कस्टमर को मिलते हैं, और हमें भी बहुत सारे कस्टमर्स विजिट किए हैं, तो बहुत सक्सेसफुल रहा जी, बहुत वधिया रिस्पॉन्स है सारे, मैं लगता ऑल इंडिया तो एक कस्टमर उतरे, तो जिन्हें कितने 105 किन्ने लगे टोटल स्टॉल, सारे खुश है सारे वधिया जा रहे, बहुत वधिया। देखो नवे गाहकों ने जुड़े सारे, जिन्हों कोई एरिए का पता ही नहीं सी उत्थों भी गाहक आ गए, अगले ने आके अटेंड किए, वह भी इस करके सारे एक दूजे नाल भरमा है, बहुत वधिया तरीके नाल मिले। हाँ हर साल लगनी चाहिए, देखो गाहकों का रूबरू होना जरूरी है, जो हम जिन्हें भी कस्टमर आए सारे खुश होकर गए, उन्होंने भी नवी चीज़ें मिली हैं, सानू भी नवे कस्टमर, दोनों बाहों बाहवा होंगे दोनों ने लगे एक दूजे ने, वधिया हो गया कम, बहुत वधिया रिस्पॉन्स वधिया है गया। मैं रस्तोगी कानपुर तो बोलता पाया, इधर आया एक छत के नीचे इतने सारे ब्रांड्स हैं, अपने को कितना ईजिली सबके पास जा सकते हैं, समय बचता है, सब ब्रांड्स के अच्छे अच्छे लेबल्स देखने को मिलते हैं, अच्छी वैरायटी एक छत के नीचे है, तो इससे अच्छा अपने को क्या चाहिए, सबसे आराम से मिल लेते हैं, अच्छा काम हो जाता है। मैं कमल सेठिया श्री रामदेव इंडस्ट्रीज, बहुत वधिया रिस्पॉन्स रहा, बहुत नवे नवे कस्टमर आया, ऑल ओवर इंडिया तो कस्टमर आए, बड़ा इन्हों बेनीफिट मिले, एक हफ्ते च एसोसीएशन ने तैयारी करके जो इन्होंने नया
रिकॉर्ड कायम किया है, हमेशा याद रखा जाऊगा। पहली दफ़ा इन्होंने लगाया, सब नवे बंदे हैं जिन्होंने आज तक कद एग्जीबिशन लगाई नहीं सी, पहली दफ़ा एग्जीबिशन रेडिशन ब्लू चे लगी है और बहुत खुश है सारे सारे मैनुफैक्चरर और कस्टमर भी बहुत ज़्यादा खुश है। एक छत के नीचे इतने मैनुफैक्चरर 105-10 लोगों ने इकट्ठे लगाई है, गाहक हर एक खुश होकर जा रहे हैं, नई नई वेराइटी मिल रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सर मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुजीब अहमद और मैं हूँ यूरेका के एन ब्रदर से। हमारा फैक्ट फॉर्म जो है वहाँ पे न्यू बस्ती जोधेवाल में है, न्यू सुभाष नगर फर्स्ट। जो एग्जीबिशन लगी है कैसा रिस्पांस रहा? सर एग्जीबिशन तो हमारा तो फर्स्ट टाइम है लेकिन एक्सपीरियंस ऑल गुड रहा सर। कस्टमर का रिस्पॉन्स सर अच्छा रहा, फर्स्ट टाइम है लेकिन फर्स्ट टाइम में रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों की श्रृंखला के अंतर्गत श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 से प्रभात फेरी निकाली गई जो कि इलाके की परिक्रमा करते हुए आरती के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर पारिवारिक सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के थाना 8 के अंतर्गत आते संतोखपुरा में गत रात्रि गोलियां चलने से मचा हड़कंप, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित गुरु अमरदास स्कूल के बाहर से लुटेरे कार लूटकर हुए फरार। भवानीगढ़ के मलेर कोटला में विजिलेंस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए दो पुलिस मुलाजिमों ने दौड़ाई गाड़ी। सड़क खराब होने पर एक व्यक्ति की एक्टिवा छीन हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।